जानू, तुम उससे कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। पक्का ना? अब जान दे दूँ तभी तुम मानोगी। नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, वक्त चाहिए। वक्त मैं तुम्हारे लिए हमेशा देता हूँ। हमेशा देंगे ना? कभी धोखा तो नहीं ना देंगे? धोखा काहे डिस्टर्ब कर रही हो? धोखा मैं तुमको धोखा दूंगा तो भटो मैं जाऊं? अरे नहीं, ऐसे कैसे जाओगे? कोई चीज ना, धोखा वोखा मत नाम लिया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पक्का करते हो ना? हाँ, आई लव यू सो मच टू यू। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। भाई एक बात जानते हो? हाँ भाई। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ? और एक सारा लुक्खा है जो मेरी गर्लफ्रेंड को हमेशा परेशान करता है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई तुम एक बार बोलो, मैं उसका गर्दन काट के फेंक दूंगा। तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कितना बड़ा लुक्खा है? भाई देख, उसके लिए कुछ कर, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड को पटा लेगा ना। मुझे बहुत तकलीफ होगी यार। ठीक भाई, मैं जरूर करता हूँ भाई। हाँ चल यार। ठीक भाई, चलो। भाई मुझे पता है तो ये मेरा काम ना जरूर कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या रे, तू चलती है मेरे साथ? अरे भाई इसको नहीं सेट करना है, आगे। चलो भाई ठीक, आगे सेट करके। देखो भाई मेरा समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ अपने गर्लफ्रेंड से मिलने। और दूसरी बात, तुमको अगर चाहिए तो पैसा काउंटर पे रख दो, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कल ले लेना। बाकी मेरा समय तो मस्त व्यस्त करो तुम। रखो, ये सब फोन भी डिस्टर्ब कर देते हैं, टाइम मेरी खराब कर देते हैं। क्या बे, क्या बे, भाई, क्या बे, क्या बे भाई, एक मिनट मत यार, झगड़ा ना करना, समझा के रखो यार। सॉरी। चल रहा है भाई, ये वही लड़का था जो मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है। अरे यार भाई रुक, कभी साली को बताता हूँ। नहीं भाई रुको रुको, ना जल्दी नहीं, दिमाग से काम लेना है। भाई तेरी कहानी मैं छोड़ा हूँ, अभी उसको नहीं छोड़ता। भाई एक काम करते हैं, चलो हम लोग उसका पीछा करते हैं, देखें कहाँ जा रहा है वो। चलो भाई ठीक है, अभी उसका पीछा करते हैं, चलो। तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हो, तुम कहाँ थे? मेरे पास टाइम कम है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, पता क्या ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उससे भी गले भी नहीं मिली यार। अरे एक बात बताऊँ, तुम जल्दी करो ठीक है, मुझे एक पार्सल एक लोग का देना, ठीक? आओ। कहाँ उदास हो? कोई बात नहीं। अरे पागल, तुमको नहीं पता तुम किसके साथ बैठी हो। पता है मेरे साथ अच्छे अच्छे लड़कियां बैठना चाहती हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मुझसे बैठ रही हो, समझी? और बाकी रही बात, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? समझी। लेकिन बाबू मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे पैसे चाहिए। कितना? ज्यादा नहीं चाहिए, बस 20,000 रुपया चाहिए। इतना तुम दे सकती हो, मुझे पता है। मैं सोच रहा था तुमसे मांगू ना मांगू, तुम दोगी नहीं दोगी। कहीं तुम ये मत समझना कि मैं गिरा हुआ हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन पैसा रहने का मतलब जब साथ रहे तब ना, अभी देखोगे तो 1 रुपया होगा खाली मेरे पास। थोड़ा सा कुछ काम था, सोचा कि काम कर लूँ फिर बाद में तुम्हें दे देता। दोगी ना? कब चाहिए? कल मिल जाएगा। जान रही, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो।
नेहा क्या कर रही हो? बाल झाड़ रहे हैं। बोला बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। हाँ दिखाओ। ये देखो शुभ क्या कर रहा है। देखो न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। देखो मेरा सुबह में ऐसा काम नहीं कर सकता है, ठीक है? यानी मेरी मोबाइल झूठ बोल रही है ना? हाँ आपकी मोबाइल झूठ बोल रही है, आप भी झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। सॉरी उससे गलती हो गई, मैं तुम्हें दिखाने के लिए आ गया सच्चाई। हाँ यहाँ से चले जाओ, आइंदा दोबारा दिखना मत यहाँ पे। हेलो शुभम जो मैंने पैसा दी थी पैसा को बहुत जरूरी है, मेरे को वापस कर दो। क्या हम तुमको पैसा वापस कर दें? हाँ। अरे पागल तुमको क्या पता, वह तो मेरा धंधा है। धंधा क्या बोलते हैं? बिजनेस। मैं सभी लड़कियों से पैसा लेकर रघु चक्कर हो जाता हूँ। तुम दोबारा मेरे यहाँ कॉल मत करना, रही बात पैसों की, पैसे को तुम भूल जाओ, ठीक है? रखो फोन। हेलो। हाँ शुभम। हाँ एक बात बोलूँ तुमसे? हाँ बोलो। वो जो मैं 20,000 रुपया दी थी आपको, हाँ वो पैसा मेरा वापस कर दो, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं क्या करूँ? अरे वैसे भी तुम मुझे पैसे दी थी, तुम तो ये नहीं कही थी कि वापस फिर देना पड़ेगा, तुम तो प्यार में पैसे दी थी ना, फिर क्यों मांग रही हो? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? नहीं नहीं मैं तुमसे थोड़ी ना प्यार करता हूँ। इसका मतलब मुझे झूठे दिलासा दिलाए थे तुम? और क्या, मेरी आदत है लड़कियों से प्यार करना, उससे पैसे लेना और अकोर हो जाना। इसका मतलब प्रेम झूठ नहीं कह रहे थे? जो भी है चल रख फोन, मेरे पास फोन मत करना, कट। अब मेरा क्या होगा, मैं तो इस साले के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद करके रख दी, मैं माँ के लिए कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? ये भगवान वो भी धोखा दे दिया, इसका मतलब प्रेम झूठ नहीं बोल रहे थे। अच्छा ठीक है प्रेम के पास एक बार फोन लगाती हूँ, देखती हूँ कैसे बात करती हूँ। हेलो। हाँ प्रेम। हाँ बोलो, तुम मेरे पास क्यों फोन की हो? वो मुझे, आप सही कह रहे थे कि वो मुझे धोखा दे देगा और सही में मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ, धोखा दे दिया तुम्हें, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? नहीं नहीं मैं तुमसे पहले प्यार करता था, अब नहीं। अरे यार एक बार मान जाओ ना प्लीज। वो मैं उससे 40,000 रुपया दी थी, वो भी मेरा नहीं दे रहा है, मांगने के बाद कह रहा है चला। नहीं सही कह रहे थे आप प्रेम, आप सही बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन ली होती तो आज ऐसे दगाबाजी में नहीं आई होती ना। और मैं तुम्हें समझाया भी था कि वो लड़का सही नहीं है, लेकिन तब तुम नहीं समझी ना। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फोन रखो, समझ गई ना? और दोबारा कॉल मत करना मेरे यहाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें भूल चुका हूँ।